तो दोस्तों आज का वीडियो मेरे पहले वाले वीडियो का थर्ड पार्ट है। ये वीडियो ड्रैगन बॉल सेंचुरीज का पार्ट 3 होने वाला है। अभी आप ये वीडियो देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना मत भूलना, क्योंकि आपको ये पार्ट समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। उन दोनों पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो अब दोस्तों नो मोर डिस्कशंस, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पकोरा बच जाती है और सोडियम गोकू जूनियर को पीछे से अटैक करता है। तो अब आगे यहाँ पर गोकू जूनियर ये अटैक से ठीक हो जाता है और फिर बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम ही वो लोग हो जिसने ग्रैंडमा पेन को मारा और मेरा ड्रैगन बॉल भी चुराया और साथ ही साथ मुझे बहकाया भी पकोरा से लड़ने के लिए। फिर यहाँ पर सोडियम गोकू जूनियर पर बहुत हंसता है और बोलता है, तू हमारा प्लान बहुत जल्द समझ गया, लेकिन अभी तू मेरे कुछ भी काम का नहीं है, तो अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। फिर इतने में ही पीछे से आवाज आती है, जनरल आपको अपने हाथ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम संभाल लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर पकोरा बहुत इंजर्ड होती है और वो ये सब देखकर और डर जाती है। उसके बाद गोकू जूनियर बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो गोकू जूनियर अपने पावर पोल को एक्सटेंड करके सबको 2 मिनट में हरा देता है। फिर सोडियम ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, इसने सबको कैसे हरा दिया। फिर गोकू जूनियर अचानक से सोडियम पर अटैक करता है। यहाँ पर पकोरा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि गोकू जूनियर उस पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर सोडियम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना स्पेशल मूव यूज करता है, लेकिन गोकू जूनियर उस स्पेशल मूव को भी डॉच कर लेता है, पर सोडियम को जरा भी दुख नहीं होता है। तो पकोरा गोकू जूनियर को बोलती है, पीछे देख, क्योंकि सोडियम का अटैक उस पे वापस आ रहा होता है और वो अटैक जो वीप की तरह है वो उसको पकड़ लेता है। फिर सोडियम पूछता है, कैसा लगा तुझे मेरा स्पेशल अटैक। उसके बाद गोकू जूनियर बहुत ट्राई करता है निकलने की, लेकिन बेचारा नहीं निकल पाता है। तो सोडियम गोकू जूनियर को चिढ़ाता है और बोलता है, अब क्या करेगा बच्चे, और सोडियम उसको एक जोरदार पंच देता है। बेचारे गोकू जूनियर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है, फिर एक और लात मारता है तो वो सुपर सियन से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर सोडियम गोकू जूनियर को बोलता है, सुपर सियन में तू मुझे हरा नहीं पाया, अब मुझे तू कैसे हरा पाएगा। उसके बाद जैसे ही सोडियम गोकू जूनियर को जान से मारने वाला होता है, उतने में पीछे से पकोरा अपनी बची कुची एनर्जी फायर कर देती है और गोकू जूनियर को बचा लेती है। फिर ये देखकर सोडियम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, इस बच्चे को तो बाद में मारूंगा, पहले मैं तेरी जान लूंगा। क्योंकि दोस्तों सोडियम का ध्यान पूरा पकोरा के ऊपर होता है और उतने में गोकू जूनियर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कैसे भी करके ये विप को तोड़ देता है। फिर जैसे ही सोडियम पकोरा को मारने के लिए अटैक करता है, गोकू जूनियर बीच में आ जाता है। तो सोडियम को लगता है कि गोकू जूनियर मर गया, लेकिन गोकू जूनियर सुपर सियन फॉर्म में होता है और उसको कुछ असर ही नहीं होता है। फिर सोडियम और पकोरा ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे बचा। उसके बाद दोस्तों गोकू जूनियर सोडियम पर अटैक करता है और उसको बहुत मारता है। सोडियम को जरा भी मौका नहीं मिलता है उसको मारने का। फिर लास्ट में गोकू जूनियर कामेहामेहा यूज करता है और सोडियम की कहानी वही खत्म कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है रापुडो। अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ, रापुडो ही मेन विलन है और इसने ही पेन को मारा था। उसका सोल्जर उसको आकर बोलता है, जनरल सोडियम और जनरल मैंगनीस दोनों ही हार चुके हैं और तो और हमारे 2 ड्रैगन बॉल्स भी चले गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर रापुडो ये सुनकर खुश होता है और बोलता है, इसका मतलब अर्थ पे कुछ अच्छे लोग भी है जिसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। इधर गोकू जूनियर को सोडियम के पास से 5-स्टार ड्रैगन बॉल मिलता है। वो बोलता है, ये 4-स्टार ड्रैगन बॉल तो नहीं है। पकोरा गोकू जूनियर से पूछती है, क्या अभी भी तू जबरदस्ती मेरे से ड्रैगन बॉल लेने की ट्राई करेगा। तो गोकू जूनियर बोलता है, मुझे तेरे से फाइट तो नहीं करनी, लेकिन मुझे ड्रैगन बॉल का काम है। तो पकोरा उसको बोलती है, ड्रैगन बॉल मांगने से पहले रीजन बता
तुझे ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए और तेरा नाम क्या है? तो गोकू जूनियर बोलता है, मेरा नाम गोकू है, और अपनी पूरी स्टोरी बताता है। फिर पकोरा बोलती है, रापुडो किसके साथ ऐसा कर सकता है? गोकू जूनियर पूछता है, ये रापुडो कौन है? तो पकोरा उसको बोलती है, ये सब लोग का बॉस रापुडो है। फिर पकोरा गोकू जूनियर को बोलती है, रापुडो भी एक सियन है जो सुपर सियन फॉर्म यूज कर सकता है। वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। तो गोकू जूनियर ये सुनकर बोलता है, फिर तो मैं उसे नहीं हरा सकता यार। तो पकोरा बोलती है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूंगी रापुडो को हराने के लिए, क्योंकि मैं अकेले उसको नहीं हरा सकती। फिर गोकू जूनियर बोलता है, सॉरी लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं क्या? पकोरा बोलती है, ठीक है, और दोनों खाने जाते हैं। खाने से पहले पकोरा और गोकू जूनियर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फाइट की वजह से बहुत फट गए होते हैं। फिर मॉल में दोनों खाते हैं, और यहाँ गोकू जूनियर गोकू की तरह बहुत, मतलब बहुत खाता है। फिर खाने के बाद गोकू जूनियर पकोरा से पूछता है, तेरी कहानी क्या है? वो बोलती है, जब मैं छोटी थी तब मेरा होम प्लैनेट रापुडो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं अकेली सर्वाइवर थी और मैंने रापुडो पे अटैक भी किया था। उसने मुझे आराम से हरा दिया, लेकिन मुझे मारा नहीं। वो बोला, तुझे अभी मारना वेस्ट होगा, मैं तुझे अपना पंचिंग बैग बनाऊंगा। और उसके बाद से वो मुझे फाइटिंग की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि वो मेरे साथ फाइट करके टाइम पास कर सके। तो गोकू जूनियर पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? पकोरा बोलती है, जैसा मुझे चांस मिला मैं वहां से भाग गई। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि रापुडो अर्थ पर आ रहा है, इसलिए अर्थ पर मैं भी आ गई। फिर यहाँ पर पकोरा बोलती है, ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना इजी नहीं है, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गोकू जूनियर बोलता है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन मुझे पहले एक और कटोरा दे खाने के लिए। पकोरा बोलती है, तू इतना खाता है, इसका मतलब तेरी पावर यही से आती है। फिर यहाँ पर अर्थ के कौन से कोने में रापुडो की आर्मी सबको मार रही होती है। वो लोग को लगता है उन लोगों ने सबको मार दिया, लेकिन एक सर्वाइवर होती है, वो लोग उसको भी मार देते हैं। क्या फालतू लोग है यार। वो लोग में से एक सोल्जर एक अजीब सी एनर्जी सेंस करता है। फिर अचानक से वो लोग को कोई दिखता है और सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये फाइटर ऊब है। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ गोकू जूनियर पकोरा से पूछता है, मुझे लगा तू रापुडो की बेटी है। तो पकोरा बोलती है, ये होना नामुमकिन है। फिर उसके बाद वो लोग को एक सोल्जर मिलता है रापुडो का, ये लोग उसको भी लेकर अपना सफर चालू रखते हैं। फिर पकोरा गोकू जूनियर से पूछती है, हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो गोकू जूनियर बोलता है, हम मास्टर रोशी के घर जा रहे हैं। देखो यार, 100 साल बाद भी मास्टर रोशी अभी भी जिंदा है। फिर यहाँ पकोरा पूछती है, कौन है वो? वो बोलता है, मास्टर रोशी बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे, ग्रैंडमा पैन, मेरे एंसेस्टर्स सभी को मार्शल आर्ट सिखाया है, लेकिन तू उनसे थोड़ा दूर रहना। फिर पकोरा गोकू जूनियर को पूछती है, ये क्लाउड क्या है जिसने मेरी जान बचाई? वो बोलता है, ये फ्लाइंग निम्बस है, इस पे सिर्फ प्योर हार्ट वाले बैठ सकते हैं। फिर यही सब बातें होती रहती है। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं मास्टर रोशी के वहाँ। फिर मास्टर रोशी बोलता है, गोकू जूनियर को निम्बस पर देखकर हमारे गोकू की याद आ गई। उसके बाद मास्टर रोशी और गोकू जूनियर हेलो हाय करते हैं। फिर मास्टर रोशी पूछता है, कौन है ये लड़की? पकोरा अपना इंट्रोडक्शन करती है। फिर मास्टर रोशी पकोरा को बोलता है, मुझे तुझे टच करना है। गोकू जूनियर बीच में आकर रोक देता है। मास्टर रोशी बोलता है, यहाँ पर क्यों आया है? गोकू जूनियर अपनी स्टोरी बताता है, और मास्टर रोशी ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है कि पैन मर गई। फिर मास्टर रोशी बोलता है, मुझे पता नहीं था कि सियंस अभी भी है। पकोरा और गोकू जूनियर वो सोल्जर से पूछते हैं कि रापुडो ड्रैगन बॉल क्यों जमा कर रहा है। फिर वो बोलता है, रापुडो ड्रैगन बॉल से अपने डैडी को वापस लाने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पर मास्टर रोशी गोकू जूनियर से पूछता है, तूने ब्रॉली का नाम सुना है? वो बोलता है, मैंने सुना तो हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो तो मुझे नहीं पता। मास्टर रोशी बोलता है, ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सैयन था, जिसको हराने के लिए तेरे एंसेस्टर्स और गोकू ने बहुत मेहनत किया था, और उस लड़ाई के वक्त मैं भी था। फिर पकोरा बोलती है, गोकू का एंसेस्टर गोकू ही? तो गोकू जूनियर बोलता है, मैं तुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बता दूंगा। फिर यहाँ मास्टर रोशी बोलता है, ब्रॉली बहुत बार वापस आया है, लेकिन वो अभी फाइनली मर चुका है। तो हम सब ने सोचा
कि अब कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। लेकिन जब गोकू, ट्रंक्स और पैन दूसरे गैलेक्सी में गए थे ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने, तब वो लोग को एक लड़का मिला था जो अपने आप को ब्रॉली का बेटा बोल रहा था, जिसका नाम कॉरीफोरो था। यहाँ पर मास्टर रोशी ड्रैगन बॉल जीटी की बात कर रहे थे। तो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर ये चैप्टर का एंड होता है। आगे का चैप्टर अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो मैं बना दूंगा। तो अब दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो यार, और शेयर तो करना ही, और प्लीज सब्सक्राइब करो यार। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमास।